हेलो फ्रेंड्स, रितु गोयल्स किचन में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको लो कार्ब फ्लोर बताया था आटा। आज मैं उसी आटे से आपको चीला बनाना बताऊंगी और स्टफ्ड पराठा बताऊंगी। तो चलिए पहले हम चीला बनाते हैं। लेट्स स्टार्ट। ये देखिए, मैंने एयरटाइट कंटेनर में आटे को स्टोर करके फ्रिज में रखा हुआ था। अभी मैं हाफ कप का मेजरमेंट ले रही हूँ। हाफ कप मैं आटा लूंगी। फिर मैं डालूंगी 1 टीस्पून के करीबन हरी मिर्ची चॉप्ड, थोड़ा सा आप इसमें 1/2 टीस्पून गार्लिक डालिए चॉप्ड, और 2 अनियंस मैंने चॉप किए हुए हैं, ये मैं डालूंगी इसमें। अब इसमें डालूंगी मैं 1/2 टीस्पून सॉल्ट, कम 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर। इसको मिक्स करेंगे, फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये अनियन से काफी गीला हो गया है, तो बहुत ही थोड़ा सा हमें पानी डालना है। ये देखिए, मैं बस चम्मच में लिया, मिक्स करके देखेंगे और जरूरत होगी तो और डालेंगे। हाँ, थोड़ा सा और डालेगा। एकदम चीले की कंसिस्टेंसी हमको करनी है, जैसे कि हम बेसन का चीला, दाल का चीला बनाते हैं, उसकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो हमें कर लेनी है। प्याज लहसुन से फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। नॉन स्टिक पैन लिया है मैंने, उसको फ्लेम पे लगा दिया और हल्का सा घी मैं पैन पे लगा दूंगी। अब ये बैटर मैं इसमें फैलाऊंगी। बहुत धीरे धीरे हमें इसको फैलाना है, क्योंकि इसमें कार्ब्स नहीं है, कुछ भी बेसन आटा नहीं है। थोड़ा सा मुश्किल होता है ये बनाना, लेकिन बन जाता है। फ्लेम को मैंने लो कर दिया है। लो फ्लेम पे अब सिकने देंगे। बहुत हल्का सा मैं इसमें घी और डालूंगी। ठीक है, सिकते सिकते इसको ऊपर से चलाते रहेंगे तो एक बहुत अच्छी सिकाई होती है और थोड़ा सा पतला भी और हो जाता है। तो ऐसे अपन फैला सकते हैं धीरे धीरे इसको। और जो जो लोग वीगन डाइट में हैं, वो घी की जगह ऑलिव ऑयल भी यूज कर सकते हैं, और जो वीगन डाइट पे नहीं है वो घी थोड़ा सा खाइए, क्योंकि घी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। थोड़ा वो घी हमें खाना चाहिए। अब ये सिक गया है, मैं इसको बहुत धीरे धीरे चारों तरफ से पहले निकाल के और फिर करूंगी। ये देखिए, बहुत ही अच्छा चीला बना है। मैंने दूसरी साइड भी ऊपर ही घी डाल दिया था, तो हमें घी डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस इसको लो फ्लेम पे सिकने देंगे। और हाफ कप जो मैंने मेजरमेंट आपको आटे का बताया, उससे 2 चीले बन जाएंगे। 1 जने के लिए काफी होते हैं ब्रेकफास्ट में या लंच में। ठीक है, अब मैं इसको वापस फ्लिप करती हूँ। ये देखिए, बहुत अच्छे से सिक गया है। अब इसको निकाल के मैं दूसरा चीला बनाऊंगी। देखिए कितने अच्छे 2 चीले बन गए हैं। ग्रीन चटनी के साथ आप इसको खाइए, और इसके साथ आप बटर मिल्क लीजिए, जीरा और नमक डाल के। और मैं इसमें एक चीज और डाल रही हूँ, चिया सीड्स हैं। ये मैंने सोक कर दिए थे 5 मिनट के लिए पानी में, ये ऐसे हो जाते हैं। ये मैं 1 चम्मच सोक्ड चिया सीड्स इस बटर मिल्क में मिला दूंगी। इससे कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होता है, तो आप बटर मिल्क में चिया सीड्स डाल के ही लीजिए जब भी आपको लेना है। ये एक फुल मील है, चाहे आप ब्रेकफास्ट में लीजिए, चाहे लंच में, चाहे डिनर में। अब हम बनाएंगे पराठा। मैं गोभी का पराठा बना रही हूँ आज। ये मैंने 1/2 कप ही फ्लोर लिया है, लो कार्ब फ्लोर। अब मैं इसमें ये 1 कटोरी गोभी ली है, लेकिन मैं एक बार आधी डालूंगी,
क्योंकि इसमें अपन पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, इसी से ही गूंद लेंगे। और हरी मिर्च बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं 1 टेबल स्पून हरी मिर्च डाल रही हूँ। अब इसमें 1/2 टीस्पून सॉल्ट डालेंगे और 1/2 टीस्पून ही रेड चिली पाउडर डालेंगे। इसमें आप लहसुन और प्याज भी डाल सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, मैं अभी नहीं डाल रही हूँ। अब इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और आप बाइंड कर लीजिए, बाइंड हो जाएगा क्योंकि गोभी में भी थोड़ा पानी होता है। ये देखिए ये बाइंड होने लग गया, हमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा वाटर ऐड करने की जरूरत नहीं है इसमें। ये डो रेडी कर दिया है, इसको थोड़ा सा फूलने के लिए हम 5 मिनट के लिए रेस्ट करने छोड़ेंगे और इसको भी हम क्लिंग में ही बेलेंगे। तो रेस्ट हो गया 5 मिनट्स के लिए। अब मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ, 2 पराठे इसके बन जाएंगे। बहुत ज़्यादा बड़े पराठे नहीं बनाएंगे, बेलने में भी प्रॉब्लम करते हैं और ये बहुत हैवी होता है तो इससे ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है एक जन के लिए। ये देखिए मैंने क्लिंग पे इसको रख दिया है, अब फोल्ड कर दूंगी इसको। बहुत धीरे धीरे इसको हमें बेलना है। आप ये पराठे किसी भी चीज के बना सकते हैं, पनीर के पराठे भी आप बना सकते हैं, प्याज के भी बना सकते हैं, सारी वेजिटेबल्स डाल के भी बना सकते हैं। देखिए बहुत आराम से बेल गया है। अब मैं ऊपर की क्लिंग हटाऊंगी। ये देखिए अब बहुत धीरे से इसको मुझे अपने हाथों में लेना है। तवा गरम कर दिया था, अब मैं इसको नॉनस्टिक तवे पे डाल दूंगी। ये सिक गया होगा, मैं इसको फ्लिप कर रही हूँ एक तरफ से, लो फ्लेम पे ही हमें सेकना। देखिए बड़ा अच्छा बन गया। इसमें आप ऑलिव ऑयल या देसी घी कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन बहुत कम ही लगाना है क्योंकि सब सीड्स में, आलमंड्स में बहुत ऑयल होता है। ये मैंने फ्लिप कर दिया है, फिर हल्का सा घी और लगा दिया है इस पे, बस लो फ्लेम पे इसको हमें सेकना है। देखिए कितना अच्छा सिक गया है ये लो फ्लेम पे। अब मैं इसको निकाल लूंगी, ऐसे ही मैं एक और पराठा सेकूंगी, फिर आपको मैं बहुत अच्छा डिप बताऊंगी इसके साथ खाने के लिए। अब मैं आपको एक डिप बताती हूँ, ये मैंने हंकर लिया है, इसको थोड़ा सा मैश कर लेंगे हम और इसमें डालूंगी मैं हरी मिर्च चॉप्ड, आप अपनी इच्छा के अनुसार डाल सकते हैं। मैंने 1/2 टीस्पून डाली है और थोड़ा 1/4 टीस्पून सॉल्ट, 1/4 ही ब्लैक पेपर, हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इस डिप को आप पराठों के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो देखिए आज आपको मैंने लो कार्ब फ्लोर से 2 तरह की चीजें बनाना सिखाया है। पराठे तो आप किसी भी कितने भी तरह के बना सकते हैं, जो मर्जी मिला लीजिए, और चीला भी बहुत टेस्टी बना, और हंकर डिप बताइए मैंने आपको, और छाछ में आप चिया सीड्स डाल के लीजिएगा। तो आप स्टार्ट कर दीजिए अपनी लो कार्ब डाइट और वेट लूज करिए अपना, फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा। बहुत एक्साइटिंग रेसिपीज लेके आ रही हूँ मैं आपके साथ, इंतजार करिएगा। थैंक यू सो मच।